भंगा एम्स निर्माण को लेकर केंद्र ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री जी आप शकील जी बोल देंगे, शकील जी और गीता पासवान जी, शकील जी, शकील जी और गीता पासवान जी, अभी तो बोलने से वो डर रहे हैं, कभी कभी तो एकदम चुप। दरभंगा सुनिए, लगता है कि पता नहीं अब क्या बोल देंगे भाई। आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि बात सुन लीजिए, शकील जी और गीता जी, शकील जी और गीता जी, दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर रास्ता साफ हो गया है, केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़ रहे हैं। गौतम, पत्र में क्या कुछ लिखा गया है? तो शोभन बाईपास में एम्स निर्माण को लेकर केंद्र ने चिट्ठी लिखी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पत्र जारी किया गया है, नई जमीन या शोभन में पूरी व्यवस्था की जाए, शोभन में मिट्टी भराई की शर्त रखी गई है, साथ में चार दीवारी की भी शर्त रखी गई है और बिजली की पूरी व्यवस्था देने की शर्त रखी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम भी जुड़े हैं। बिहार को दिया क्या है? अब जब ऐसे में सियासत इस पे हो रही है, विशेष राज्य का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कराया गया है, तो केंद्र सरकार ने भी अब अपनी तरफ से एक पासा फेंक दिया है। कहा जा सकता है कि एम्स निर्माण को लेकर तो शोभन बाईपास में एम्स निर्माण को लेकर चिट्ठी लिखी है केंद्र ने जी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस मामले पर? गौतम बताइए, गौतम हमारी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, दरभंगा एम्स निर्माण का जो रास्ता साफ हुआ है उसको लेकर के केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को लेटर लिखा है, और इस पूरे लेटर की अगर मजमून को समझने की कोशिश करें तो जो बाईपास में एम्स निर्माण को लेकर के जो लेटर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं उसमें नए जमीन में पूरी व्यवस्था को लेकर जो लेटर में लिखा गया है उसमें मिट्टी भराई की जो शर्त रखी गई है और इसके अलावा जो चार दीवारी की शर्त रखी गई है, बिजली की भी पूरी व्यवस्था की बातें रखी गई है, तो ऐसे में ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने अपनी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी, बावजूद उसके केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, लेकिन जब केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें रखी तो उसमें साफ तौर पे था कि बिहार सरकार ने जमीन मुहैया नहीं कराई, तो ऐसे में दोनों मामला नेक टू नेक है। और जहां कहें भी बिहार सरकार ने जो सरकारी तौर पे जो जमीन सरकार को दी है केंद्र सरकार को, जमीन पर केंद्र सरकार ने अपनी पूरी जमीन पर बच्चा एम्स की हो या किसी भी भारत सरकार के सरकारी उपक्रम की वहां पर वो ऑफिस खुला है, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मामला दरभंगा एम्स को लेकर के नेक टू नेक दोनों तरफ से बयान जारी किए गए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले वहां से जो नीतीश कुमार के बहुत बेहद करीबी मंत्री हैं संजय झा, उन्होंने भी जवाब दिया था कि जो जमीन है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार को दे दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार जो जमीन चाहती थी वो जमीन राज्य सरकार ने नहीं दी। यानी कि कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और दरभंगा एम्स ठीक उसी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है जैसे दरभंगा एयरपोर्ट, क्योंकि आज देखिए जो सबसे ज्यादा निहायती जरूरी चीजें हैं, पटना एयरपोर्ट पे जो सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से जो घनत्व कमा है वो है दरभंगा, चूंकि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच जो गांधी सेतु या दीघा का जो रास्ता है वो अपने आप में कनेक्टिविटी खत्म हुई है, पटना एम्स में या फिर जो भागलपुर बांका मुंगेर के रास्ते में जो एम्स है वो देवगढ़ में खुल जाने की वजह से, और तीसरा अगर दरभंगा में एम्स खुल जाता है तो तमाम वो इलाके जो नेपाल तक दूरी तय करते हैं वहां के रास्ते तय हो जाएंगे और वहां के जो मरीज है वहां के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो
ये इसी को मद्देनजर देखते हुए ये तमाम चीजें केंद्रीय। चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम लौटेंगे चर्चा में। हमारे साथ शकील जी हैं जेडीयू से। शकील जी, सोभन बाईपास को लेकर अभी अभी ये खबर आ रही है, केंद्र ने चिट्ठी लिख दी है, क्या अब आप लोग ये तमाम शर्तें मानेंगे? नहीं, इससे पहले तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर दिए जी। और क्या उसको कहते हैं कि पूरे मंच से जो है जिस तरीके से बोले कि हमने जो है सोभन में, दरभंगा सोभन में इसमें एम्स को जो है एकदम जो है बना दिए, और मुझे ऐसा लगा भी कि नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो भाई एकदम बना ही होगा। मैं आपको यकीन दिला दूं कि मैं जो है मोटरसाइकिल से वहां गया और वहां पूरा घूमा, इतना पैसा खर्च हुआ डीजल पेट्रोल में क्या बतावे, और कहीं हमको जो है नहीं मिला। लेकिन आपके चैनल का जो है मैं शुक्रगुजार हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने आवाज उठाया था कि भाई वहां कुछ है नहीं, तो उसके बाद आप धीरे धीरे जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी या चाहे उनके जो भी आपको जो मतलब स्वास्थ्य मंत्री है, अगर उनको ये बात समझ में आ गया और उन्होंने चिट्ठी लिखा तो स्वागत योग्य है, लेकिन झूठ का पोलिंदा नहीं बोलना चाहिए। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जो है झूठ का जो है पोलिंदा बन के है, जुमलाबाजी करते हैं, ये जुमला अच्छा, चलिए अगर वो बोल भी दिए, चलिए ये बोल दिया उनकी गलती है, लेकिन इसमें बिहार वासियों की क्या गलती है? अगर केंद्र ये कह रहा है कि मिट्टी भरवा दीजिए, चार दीवारी करवा दीजिए, बिजली दे दीजिए, तो ये तो राज्य सरकार का काम है ना, उनकी दोहरी नीति रहती है। नहीं सकील जी, वो अगर मिट्टी भराने की मांग कर रहे हैं, बाईपास चार दीवारी की मांग कर रहे हैं और बिजली मांग रहे हैं, तो इसमें बिहार वासियों की क्या गलती है? ये देना तो राज्य सरकार का काम है। ये चुनाव के समय, ये तो चुनाव के समय चिट्ठी लिखना है, ये तो बिहार का, ये तो बिहार का, यही तो हो रहा है, अपना स्रोत है, अपना साधन है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बिहार का जो है अपने साधन से आगे बढ़ाने का काम किया, बिजली देने का काम किया, हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, हर घर जो है पानी देने का काम किया। गोपाल जी, आखिर मैं आपको एक बात बता दूं कि गंगा गंगा जल एक जो है मतलब जल ऐसा पवित्र जल है, आप देख लेंगे ये जो मगध के सारे ही में सब जगह गंगा घर घर जल पहुंचाने का उन्होंने काम किया, और ये काम अगर जो है प्रधानमंत्री जी के तरफ से मिल रहा तब तो हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन जुमला नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, चलिए जुमला, चलिए बिहारवासी गलती की सजा क्यों भुगते, उन्हें तो भाई एम्स चाहिए। तो क्या राज्य सरकार के जिम्मे जो काम है बिजली देना, चार दीवारी करवाना, वो राज्य सरकार करेगी? बिहारवासी नहीं भुगत रहे हैं, प्रधानमंत्री भुगता रहे हैं। उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ दिया, अब इस चिट्ठी पर हम और आप जैसे आज बहस कर रहे हैं, पूरी जनता 3-4-5 महीने बहस करेगी, कुछ लोग उसे मान जाएंगे कि होना है जो कि जमीन अधिग्रहण के पेज में अटका हुआ है।